हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक्स सीरीज में अगला वीडियो। अगर आपने इस सारे वीडियोस को देखा होगा तो आपके पास अब एक पूरी तरह से एक श्रृंखला रही होगी कि जहां पर हम मुद्रा और बैंकिंग वाली इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मुद्रा बाज़ार। भले अर्थशास्त्री उसे मुद्रा बाज़ार कहते हैं, हम इसे सामान्य रूप से कहें तो अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए किसी भी भारतीय किसी भी अर्थव्यवस्था में या भारतीय अर्थव्यवस्था में जब भी लेन देन थोक मात्रा में होता है तो हमने वो कल पढ़ा था। आज हम इसमें शुरुआत करने वाले दीर्घकालिक अवधि के लिए जब वित्तीय बाजार में लेन देन होते हैं तो फिर वो कौन सा बाजार कहलाता है, फिर वो कौन सा सिस्टम कहलाता है। अगर एक सिंपल सी हम बात करें तो जब अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए लेन देन होगा तो वो कल का हिस्सा था, जहां एक वर्ष से कम की अवधि में सब कुछ हो जाएगा लेना और देना। जब दीर्घकालिक की बात आएगी तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि दीर्घकालिक किस तरीके से लोग उधार लेते और देते हैं, या पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉन्ग टर्म के जो ऋण लेना और देने का काम होता है वो आज के सिलेबस का हिस्सा है, जिसका नाम है पूंजी बाजार। वास्तव में पूंजी बाजार ही अर्थशास्त्रियों के नाम है, लेकिन नाम दिए गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म मतलब आज का विषय, शॉर्ट टर्म मतलब कल का विषय था। आइए, लेकिन उसके पहले जिन लोगों को अभी भी किसी भी प्रकार से दिक्कतें हो रही हो अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेने में, मैं उन्हें थोड़ी सी मदद कर दूं कि अनअकैडमी प्लस पर लाइव क्लासेस बहुत बड़ी टीम के साथ स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें कुछ नाम आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट भी हर वीक में है यहाँ पर, तो मॉक टेस्ट भी आपके पास रहेंगे। और क्योंकि अब कल से रिजल्ट आ चुका है तो जब जैसे ही पीटी का रिजल्ट आता है, मैं ये मानता हूं कि अगले साल की तैयारी करने वालों के लिए अब शुरुआत हो चुकी है। फिर अगर हम इसमें बात करें तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ का भी, 6 मंथ का भी, 12 मंथ का भी, 24 मंथ का भी, 1 महीने से लेकर पूरे 24 महीनों के सब्सक्रिप्शन के आपके पास ऑप्शन है। हर सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसका रेट डाउन होता चला जाएगा। जैसे 12 महीने के सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल 3,000 रुपये या मैं कहूँ कि उससे भी कम लगता है, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो फिर वो केवल 2,333 रुपये के पास की बात होती है। अगर आप यहाँ पर मधुकर लाइव रिफर कोड यूज़ कर लेते तो फिर इसमें भी आपको 10% ऑफ हो जाएगा, और ऑब्वियसली फिर आपको ये जो पेमेंट देना होगा अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन है तो 50,400, अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता तो ये लगभग 31,000 रुपये में मिल जाता आपको। जिन लोगों को 2021 का टारगेट तय करना है, 2020 का टारगेट तय करना है, यकीन मानिए सबसे बढ़िया समय है जब आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जो भी क्लासेस मिस हुआ होगा उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, और पूरे साल भर मैं इसमें लगभग सारे सब्जेक्ट लूँगा हिस्ट्री और पॉलिटी को छोड़कर, तो ये मान के चलेगा कि एक मिनिमम कॉस्ट में आपके पास हिंदी मीडियम के लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और मेरे साथ आप सारे टीचरों के क्लासेस को भी अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। कोई क्लास मिस होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग है, बायलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, मटेरियल है, आप अपने घर बैठकर ही आपको जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस होती थी कि आपके पास एक अच्छा गाइडेंस नहीं होता था, इसकी बात तो अब आप आर्ग्यूमेंट के रूप में नहीं कर सकते, इसलिए इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों का टारगेट है प्लीज़ अगर वो सीरियस है तो जल्द से जल्द इसमें शुरुआत करें, जल्द से जल्द हमसे जुड़े और शुरुआत करें अब नए 2020 और 21 के टारगेट की। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। अविनेश, इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स तो ना सही, लेकिन जितना भी हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सकता है उतना मैं इस कोर्स को आपको अवेलेबल करा दूं। लगभग हम बात करेंगे तो 50-60% इकोनॉमिक्स के कोर्स को हम इसमें पूरा करने की कोशिश करेंगे। जनरली हम इसमें मॉनिटरी पॉलिसी और हुआ तो फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति पर, और थोड़ा बहुत समय मिला तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो भी संस्थाएँ हैं या अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी अर्थव्यवस्था में ऑर्गेनाइजेशन है हम उन पर भी चर्चा कर लेंगे। आइए हम शुरुआत कर रहे हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है पूंजी बाजार। तो सबसे पहले तो अलग कैसे हैं, तो मैं थोड़ा सा अंतर यहां पर बता दूं कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर क्या होगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अंतर क्या होगा। तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार की अगर हम बात करें तो पहले अंतर समझ लेते हैं। ये अल्प अवधि का बाजार है, अल्प अवधि का बाजार है,
अल्पावधि का मतलब एक दिन से लेकर 364 दिन तक। और ये दीर्घ अवधि का बाजार है, दीर्घ अवधि का मतलब लिया जाएगा न्यूनतम 365 दिन या उससे ज्यादा। फिर वो 10 वर्ष भी हो सकता है, 20 वर्ष भी हो सकता है। यह पूरी तरह से असंगठित और अव्यवस्थित है। यह इसकी तुलना में ज्यादा संगठित है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह संगठित है, व्यवस्थित है। तीसरा अंतर हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें केवल बड़े निवेशक भाग लेते हैं। हम इसमें कह सकते हैं कि छोटे निवेशक जैसे एक आम नागरिक भाग ले सकता है, मतलब एक नॉर्मल सिटीजन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये है मनी मार्केट, वो है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में ये तीन स्पेशलिटी हैं और कैपिटल मार्केट में तीन स्पेशलिटी हैं। वैसे अगर हम इसमें और चर्चा करें तो मैं इसमें और अंतर बता सकता हूँ कि यह थोक बाजार होता है। थोक बाजार ये उतना थोक नहीं है, इसकी तरलता ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी आपने पैसा दिया है वो आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो तरलता है वो कम होती है, आपको जल्दी पैसा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। यहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत सारे अंतर हम देख सकते हैं मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में। अल्पावधि, दीर्घावधि, असंगठित, अव्यवस्थित, संगठित, व्यवस्थित। वैसे इसमें भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अव्यवस्थित और असंगठित हैं। बड़े निवेशक ही भाग लेंगे, बैंकें भाग लेगी, आरबीआई भाग लेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, बड़े उद्योगपति भाग लेंगे, या हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड बीमा कंपनियां भाग लेगी। यहां पर एक आम आदमी भी भाग ले सकता है, एक सामान्य अर्थव्यवस्था का छोटा निवेशक भी भाग ले सकता है। यह थोक बाजार होता है, यह उसकी तुलना में उतना बड़ा थोक बाजार नहीं है। इसमें तरलता ज़्यादा है, इसमें तरलता कम है, इसमें रिस्क कम है, उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की बातचीत यहाँ पर होती है। यहाँ पर शेयर वाली कोई चर्चा नहीं होगी, यहाँ शेयरों वाली कोई बातचीत नहीं होती है। यहाँ पर शेयर और डिबेंचर्स होते हैं। जैसे कि वहाँ पर फ़ोन, ईमेल, फैक्स, इंटरनेट के द्वारा हम ट्रांजेक्शन करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जब ट्रांजेक्शन किए जाएंगे तो पूरे सिस्टमेटिक पैटर्न के बेस पर यहाँ ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत कर रहे हैं पूंजी बाजार की, समझते हैं ये पूंजी बाजार क्या होता है। तो सबसे पहले परिभाषा पर आते हैं। एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिभागी जो होंगे इसमें वो सभी होंगे जो मुद्रा बाजार में थे, लेकिन व्यक्तिगत निवेशक भी इसमें शामिल हो सकता है। क्योंकि कल जो मुद्रा बाजार में लोग थे, मनी मार्केट में जो लोग थे, वो सारे हैं इसमें भी। इसमें भी आरबीआई हैं, इसमें भी कमर्शियल बैंक होंगे, वाणिज्यिक बैंक होंगे, इसमें भी बैंक कंपनियां, म्यूचुअल फंड की कंपनियां होगी, और निजी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें होगी, उद्योगपति भी उसमें होंगे। लेकिन यहां पर एक निजी निवेशक, व्यक्तिगत निवेशक भी इसमें शामिल होगा। तो इसका मतलब कि यहां पर निजी निवेशक भी भाग ले सकता है। यहां पर सबसे बड़ा अंतर इस टाइप से आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए यहां पर ऋणों का लेन देन होता है। प्रतिभागी जो सभी मुद्रा बाजार का हिस्सा है वो भी इसमें रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर आता है कि एक व्यक्तिगत निवेशक, मैं, आप, इसमें हिस्सेदारी निभा सकते हैं। तो एक व्यक्तिगत निवेशक को भी इसमें हिस्सेदारी होगी, इस बात में कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हम बात करें इसमें तो जो पूंजी बाजार है, सबसे पहले मैं भारत सरकार की बात करूं
तो आरबीआई भारत सरकार के लिए दीर्घकालिक आवश्यकताओं के लिए धन की उगाही करता है, जहां पर लघुकालिक आवश्यकताओं के लिए वो ट्रेजरी बिल या डेटेड सिक्योरिटीज लाता है, यहां पर लॉन्ग टर्म का अगर उसे ऋण चाहिए तो लॉन्ग टर्म का ऋण अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए तो यहां पर आरबीआई के बिहाब पर वो फिर से बिल लाने की कोशिश करेगा, पर यहां पर हम उसे बॉन्ड नाम कहते हैं जनरली, यहां पर मिलने वाली जो सिक्योरिटीज होती हैं उसे बिल ना कहकर जनरली बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड का मतलब यहां दीर्घकालिक से लिया जाना चाहिए और गिल्ट एजेड सिक्योरिटी यहां पर होती हैं, हम कह सकते हैं कि गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज यहां दो प्रकार के फिर से सरकार के पास पैसे उगाही के साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं पूंजी बाजार में पहले आरबीआई पर चर्चा कर रहा हूं कि आरबीआई इसमें जो पैसे की उगाही कर रही है, आरबीआई जो इसमें धन की उगाही कर रही है उसके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके पास है जीरो कूपन बॉन्ड या गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज। समझते हैं किस प्रकार की बातचीत यहां पर होगी। गिल्ट एजेड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इसमें गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड की। तो ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होंगे, ये बिल्कुल ट्रेजरी बिल जैसे ही है, बस ट्रेजरी बिल अल्पकालिक अवधि के थे, 91 डेज के थे, 182 डेज के थे या 364 डेज के होते हैं, वहीं पर ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं ये 10 साल, 15 साल, 5 साल के होते हैं। और इसमें जीरो कूपन नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंटरेस्ट को एक पर्टिकुलर कूपन के रूप में बॉन्ड पर जोड़ा जाता था, मतलब एक समय पर यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर कूपन जोड़े जाते थे जो इंटरेस्ट के लिए कूपन माने जाते थे, कि हर साल के एंड पर आप वहाँ पर कूपन लौटा कर आ जाएंगे और आपको उतना इंटरेस्ट मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, ये डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज़ है, ये छूट पर दी गई सरकारी प्रतिभूति है, छूट पर दी गई सरकारी प्रतिभूति होती है, सरकारी प्रतिभूति होती है, तो छूट पर दी गई सरकारी प्रतिभूति है। हम कह सकते हैं कि डिस्काउंट पर ये बॉन्ड हमें मिलते हैं, 100 करोड़ का अगर ये बॉन्ड है तो हो सकता है कि आपको ये 88 करोड़ में मिल जाए, और जब आप लौटाने जाएंगे इसकी मैच्योरिटी जब हो जाएगी तो आपको 100 करोड़ देगा, क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, इस कारण से इसका नाम रखा गया है जीरो कूपन, इसलिए इसका नाम रखा गया है जीरो कूपन। तो पूंजी बाजार में जब भी भारत सरकार को दीर्घ अवधि के लिए कोई निवेश करना है, जैसे मान लेते हैं कि अब ले लेते हैं कि हमें कोई मेट्रो बनानी है, हम क्या कह सकते हैं बुलेट ट्रेन बनानी है, तो दीर्घकालिक पैसों की आवश्यकताओं के लिए भारत सरकार को अगर पैसों की आवश्यकता है और वो मार्केट से पैसा लेना चाहती है तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करेगी, वह आरबीआई के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी करेगी। और आरबीआई जो पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी कर सकता है वो होता है जीरो कूपन बॉन्ड, बिना इंटरेस्ट वाला बॉन्ड, जिसे हम डिस्काउंटेड प्राइस पर प्राप्त कर सकते हैं। अंकित मूल्य कुछ और होगा, डिस्काउंट प्राइस कुछ और होगा, तो जब हम लौटाएंगे तो जितना डिफरेंस था उतने का हमें लाभ मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इसमें बात करें तो ये जो पूंजी बाजार होता है इसमें सरकार के पास पैसा उगाही करने का मार्केट से पहला तरीका है जीरो कूपन बॉन्ड, छूट पर दिया जाएगी या छूट पर दी गई सरकारी प्रतिभूति होगी। यह 100 करोड़ का अंकित मूल्य है तो 88 करोड़ उस पर देना पड़ सकता है, ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और इस पर कोई ब्याज न देने के कारण इसे जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। और फिर दूसरा है गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज। अगर हम बात करें गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज की, तो यहां बिल्कुल दिनांकित प्रतिभूतियों जैसा ही है। गिल्ट एजेड इसलिए कहा जाता है, इसके दो कारण है। पहला रीजन तो है कि इसमें विश्वास बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सरकारी प्रतिभूति है, तो सरकारी प्रतिभूति होने के कारण इसे गिल्ट एजेड कहा जाता है कि उसकी जो सुरक्षा है उसके मापदंड काफी मजबूत है। और कुछ जगह पर इसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि इसके चारों तरफ कभी सोने की एक पतली परत दी जाती थी, इस कारण से गिल्ट एजेड कहते हैं। तो कई सारे रीजन इसमें दिए जाते हैं। अगर हम बात करें गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज की, तो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आपको ब्याज पर दी जाएगी,
साथ ही साथ इस सरकारी प्रतिभूति पर हमेशा ही जो अंकित मूल्य होगा उसी मूल्य पर ये प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का जो निवेश होता है वह दीर्घ अवधि के लिए होता है। दीर्घ अवधि जैसे कि हम कह सकते हैं जहां पर 5 साल 10 साल 20 साल के मिनिमम टाइम पीरियड के लिए इस टाइप का निवेश इसमें कराया जाता है। तो अगर हम बात करें तो पूंजी बाजार में जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट आरबीआई के पास है वो है गिल्ट एजेड सिक्योरिटी, बिल्कुल दिनांकित प्रतिभूति जैसा ही है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म होगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा और यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो सिक्योरिटी। इसमें कोई भी कंपनियां निवेश करने से घबराती है। देखो क्यों, जनरली जब भी आरबीआई इस टाइप के निवेश करने की कोशिश करती थी तो सामान्यतः इस प्रकार की बातें आपको इस प्रकार के जो निवेश होते हैं वो कंपनियां नहीं करती। देखो क्यों, इसका गेस्ट्रेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, गर्भकाल बहुत ज़्यादा है, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ये मेच्योर होते हैं। तो विदेश जो कंपनियां होती है, जो निवेशक होते हैं बड़ी कंपनी वाले या मान लो बैंकें जो होती हैं, वो इसमें निवेश नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद मार्केट कैसा होगा ये किसी को नहीं पता है और इनका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है कि 10 साल तक इतना रहेगा। तो जनरली इसमें ट्रेजरी बिल जितने ज़्यादा डिमांडेबल हैं उतने गिल्ट एजेड बिल डिमांडेबल नहीं है। डेटेड सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हैं, इसमें इंटरेस्ट ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर भी इसमें निवेशकर्ता ये जानता है कि अगर बाजार उठ गया, मार्केट में तेजी आ गई, तो उसे कुछ ज़्यादा लाभ बेहतर मिलने वाला नहीं होगा। इस कारण से अगर किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था में, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में, हम जनरली पूंजी बाजार में ये जो गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज होती हैं इसमें बहुत रेयरली लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा अटक जाता है और उसे आप बगैर मैच्योरिटी के सरकार से वापस नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पेनल्टी लगाकर सरकार पैसा वापस कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होने के कारण इसमें लोगों के जो आकर्षण है या निवेशकों का आकर्षण कम होता है। अगर ओवरऑल एक बात अगर हम आपके सामने कहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार आरबीआई की मदद से जो पैसों की प्राप्ति, मतलब उसे भारत सरकार को कोई भी योजना में पैसों की कमी हो रही है, बजट के बावजूद उसको कोई पैसा कम लग रहा है, तो फिर वह उधार लेती है बाजार से। बाजार का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से, और बाजार से जब वो अर्थव्यवस्था से उधार लेगी तो अपना कौन सा प्रतिनिधि खड़ा कर देगी? आरबीआई। उसके पास दो तरीके के उधार लेने के विकल्प है। अल्पकालिक है तो हम उसे कहेंगे कि वो मुद्रा बाजार से उधार लेने जा रही है, और अगर वो दीर्घकालिक है तो हम कहेंगे कि वह पूंजी बाजार से उधार लेने जा रही है। तो अगर अल्पकालिक के लिए है तो हम कहेंगे कि अल्पकालिक के लिए उसके पास जो विकल्प होगा अल्पकालिक वाला वह मुद्रा बाजार, और दीर्घकालिक के लिए जो होगा वो पूंजी बाजार होगा। मुद्रा बाजार में उसके पास दो तरीके की सिक्योरिटीज हैं, एक तो है ट्रेजरी बिल और दूसरा है दिनांकित प्रतिभूतियां। दिनांकित प्रतिभूतियां और दीर्घकालिक के लिए उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वो जीरो कूपन बॉन्ड लेकर आ जाए, या तो फिर वो गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज, गिल्ट एजेड सरकारी प्रतिभूति लेकर आ जाए। ट्रेजरी बिल, जीरो कूपन बॉन्ड, दोनों डिस्काउंटेड सरकारी प्रतिभूति है। सरकारी प्रतिभूति मतलब एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा है कि मैं धारक को इतना देने का वचन करता हूँ। और दिनांकित प्रतिभूतियां, गिल्ट एजेड सिक्योरिटी का मतलब ये होगा कि जहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और यह मैच्योरिटी पूरी होने पर आप उसे लौटा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, हम कहेंगे कि अल्प अवधि और दीर्घ अवधि, ओवरऑल ये इतनी बातों पर ध्यान दे रहा है। बिल्कुल इक्विटी पर हम आ रहे हैं प्रदीप, अब इक्विटी पर ही हम चर्चा करेंगे कि ये इक्विटी क्या होता है, ये समता क्या होती है। तो पूंजी बाजार में भारत सरकार जब भी पैसों की उगाही करेगी तो उसके पास कुछ इतने प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, उसके पास कुछ इतने प्रकार के विकल्प होते हैं। आइए अब हम चर्चा कर रहे हैं इसमें पूंजी बाजार में केवल भारत सरकार ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उद्योगपति भी शामिल है। और अगर किसी उद्योगपति को, किसी उद्योगपति को अपना व्यवसाय बढ़ाना है या कोई नया उद्योग डालना है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि टाटा साहब को और एक नया बिजनेस खोलना है,
अलग अलग क्षेत्र में आने के बाद मान लेते हैं कि टाटा साहब अब एजुकेशन में आना चाहते हैं और एजुकेशन में आने के लिए लगभग वो 5,000 करोड़ की एक कंपनी खोलना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं। अब 5,000 करोड़ के लिए उनके पास दो ऑप्शन हैं कि ये उद्योगपति या तो पैसों की प्राप्ति आंतरिक रूप से कर ले या वो पैसों की प्राप्ति बाह्य रूप से कर ले। आंतरिक रूप में भी उसके पास दो ऑप्शन हैं कि या तो वह अपनी जमा पूंजी इसमें लगा दे। हम अपने जीवन में जितना भी कुछ काम करते हैं, हम छोटे उद्योगपति, हम छोटे काम करने वाले लोग या फिर हम छोटे इंटरप्रेनर जो होते हैं ना, वो अपना जितना भी उद्योग खोलते हैं वो अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं और इस कारण से हम अपने आप को बड़ा नहीं कर पाते, जबकि एक बड़ा उद्योगपति बहुत सारे विकल्प लेकर चलता है। तो आंतरिक के लिए अपनी जमा पूंजी लगा सकता है या तो फिर वो इक्विटी के अनुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है, इसे कहते हैं समता अंश। इक्विटी शेयर जारी कर सकता है समता अंश। इक्विटी का मतलब आप सोच लीजिए कि वो कंपनी में मालिकाना हक दे रहा है और आपको कंपनी के, मान लेते 5,000 करोड़ की कंपनी थी, 5,000 करोड़ में से मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि 1,000 करोड़ वो खुद डालने वाले हैं और उन्होंने सोचा है कि 4,000 करोड़ के मैंने 4 लाख टुकड़े कर दिए, तो मान लो कि 4 लाख टुकड़े अगर 4,000 करोड़ के हो गए तो एक शेयर हो गया 1,000 रुपए का। कल्पना करते चलिए मेरे साथ कि मान लेते हैं कि 4,000 करोड़ चाहिए या फिर कुछ ज्यादा बड़ा आंकड़ा अगर हो रहा होगा तो मान लेते हैं कि 4 करोड़ रुपए उन्हें और चाहिए। अब 4 करोड़ के लिए उन्होंने क्या किया कि 5 करोड़ की कंपनी में 1 करोड़ अपना डाल दिया और 4 करोड़ वो बाजार से चाहते हैं, लोगों से चाहते हैं, पर उन्होंने कहा कि भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा, तुम भी मालिक बनो, तुम भी रिस्क लो और पैसा मैं कमाऊंगा तो तुम भी कमाना। लोगों का विश्वास था टाटा साहब पर कि टाटा साहब जब भी काम करते हैं तो लाभ कमाते हैं, तो इनके इक्विटी शेयर के लिए जैसे ही प्रॉस्पेक्टर्स आएंगे तो लोग इनके इक्विटी शेयर में एप्लीकेशन देना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 4 करोड़ के इक्विटी शेयर बना दिए क्योंकि टोटल कंपनी 5 करोड़ की है, तो मान लेते हैं कि 5 करोड़ के 100 टुकड़े अगर हम कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि 1,000 रुपए का 1-1 शेयर हो गया। कल्पना करो 1,000 रुपए का 1 शेयर हो गया या 5,000 रुपए के 1-1 शेयर हो गए। 5 लाख शेयर इन्होंने निकाले 1,000 रुपए वाले, तो 1 लाख शेयर तो इनके पास ही हैं, 4 लाख शेयर अब इनके पास बचे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि 4 लाख शेयरों की हिस्सेदारी कर दी 1,000 टुकड़ों में, तो इसे कहेंगे इक्विटी, समान टुकड़े हो गए हैं, अंश समान रूप से बढ़ गया है। अब जो जितना शेयर लेगा वो उतना उस कंपनी का मालिक रहेगा, उसमें वोटिंग का उसे राइट्स होगा, वह कंपनी कोई भी निर्णय लेगी तो उसे अधिकार होगा कि उन निर्णयों में वो अपनी राय बता सकता है। कंपनी अगर लॉस में गई तो ये व्यक्ति लॉस में जाएगा, कंपनी प्रॉफिट में गई तो ये प्रॉफिट में जाएगा। इसी को हम नाम देते हैं समता अंश। तो फिर वो या तो इक्विटी शेयर जारी कर ले और इक्विटी शेयर जारी करके लोगों से पैसा प्राप्त करके अपना बिजनेस शुरू कर ले। इसमें क्यों प्रेफर करेगा वो व्यक्ति, कोई उद्योगपति इसे क्यों प्रेफर करेगा, उसे इंटरेस्ट नहीं पे करना है, उसे कोई ब्याज नहीं देना है क्योंकि उसने कोई आपसे उधार नहीं लिया है, आपको एक मालिकाना हक दिया है और मालिकाना हक देने के कारण आपको भी उतना ही रिस्क झेलना है जितना कि वो झेल रहे हैं। फिर बाह्य रूप से उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वह बैंकों के पास उधार लेने चले जाएं या वह विदेश के अपने मित्र से कहे कि तुम भी इसमें निवेश करा दो, तो विदेशी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है, इसका मतलब FDI आ जाएगा। सौरभ, सार्फेसी एक्ट में किसान चाहे उतना लोन ऋण नहीं हो सकता है, पर सार्फेसी एक्ट में जब भी किसानों से ऋण की वसूली की जाएगी तो पहले एक न्यायिक कार्यवाही पूरी की जाएगी, उसके बाद किसान से ऋण की उगाही की जाती है। पर कितना भी ऋण हो, बगैर न्यायिक कार्रवाई के सार्फेसी एक्ट के तहत किसान की संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता और किसान के किसी भी प्रकार के ऋण को इस सार्फेसी एक्ट से दूर रखा गया है क्योंकि वैसे भी भारत में वह मुद्दा काफी संवेदनशील माना जाता है। आइए अब हम फिर से अपनी चर्चा पर आ रहे हैं। उद्योगपति को अगर अपना बिजनेस खोलना है तो उसके पास ऑप्शन है दो, या तो वह आंतरिक रूप से इंटरनली या एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में उसके पास एक चीज रहेगी
कि बैंकों के पास जो ऋण होगा उस पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसका खुद का रिस्क होगा। एफडीआई की अगर अनुमति होगी तो उसे एफडीआई का लाभ मिल पाएगा, बाह्य ऋण के रूप में हम एक तरीके से कह सकते हैं उसे, या वो निवेशक निवेश कर सकता है, उसे भी मालिकाना हक मिल सकता है, या फिर वो किसी और जगह से बाहर से भी ऋण ला सकता है। आंतरिक रूप से उसके पास अपनी जमा पूंजी लगा सकता है, या वह अपनी कंपनी को इक्विटी समता अंश में डिवाइड कर देगा और उसका प्रॉस्पेक्टर जारी कर देगा। इसलिए आपको सेबी जब भी कहता होगा निवेश करने से पहले तो बताता होगा कि सबसे पहले आप प्रॉस्पेक्टर्स को पढ़िए और फिर बताइए कि आपको उसमें निवेश करना है या नहीं करना है। तो यहां पर इस टाइप की बातें पूरी रखी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें तो पूंजी बाजार में उद्योगपति सबसे पहले इक्विटी शेयर का ऑप्शन रखता है, इक्विटी शेयर का ऑप्शन रखता है। तो अब हम समझते हैं कि इस पूंजी बाजार के लिए उसके पास क्या होगा। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, शेयर जारी करती हैं या डिबेंचर जारी करती है। डिबेंचर का मतलब होगा कि आम नागरिकों से ऋण लेना, आम नागरिकों से ऋण लेना। वैसे हम डिबेंचर को पढ़ेंगे, आम नागरिकों से ऋण लेना। आज के लेक्चर के शायद एंड में या कल की क्लास में डिबेंचर पर हम चर्चा करेंगे। देखो शेयर में आपको मालिकाना हक मिल रहा है, शेयर में आप बिल्कुल बराबरी की हिस्सेदारी ले रहे हैं, लेकिन डिबेंचर एक तरीके के ऋण पत्र हैं जहां पर कंपनी ये वादा कर रही है कि हम आपसे पैसा उधारी पर ले रहे हैं, इतने परसेंट ब्याज पर तुम्हें पैसा लौटाएंगे और उसके एवज में आपको एक कागज सौंप दिया जा रहा है। तो डिबेंचर जनरली से डिबेंचर हम कह सकते हैं कि उद्योगपतियों के बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड और डिबेंचर में थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसे भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो इतना जरूर याद रखिएगा कि उद्योगपति जब भी अपने पैसों की उगाही करेंगे तो उनके पास दो विकल्प होंगे। और कंपनी शेयर क्यों जारी करती है उसका रीजन मैंने आपको यहां बताया कि उसके पीछे का रीजन है क्योंकि यहां उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, इस कारण से कंपनियां शेयर जारी करती है। अब यहां पर यह समझने वाली बात होगी कि यह पूर्ण रूप से एक व्यवस्थित बाजार है, पूर्ण रूप से रेगुलेट मार्केट है। इस कारण से इसकी कोई देखरेख करने वाला होगा, इस कारण से यहां कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर हम पूरी तरह से लेन देन कर सकते। देखो संगठित कैसे हुआ, यहां पर हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह होती है जहां पर इनकी खरीदारी और बिक्री होती है, और स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होने के कारण हम इसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड है। कोई जगह तो बना दी जहां लोग आएंगे और यहां निवेश करेंगे, जबकि कल वाले में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां पर कॉल के द्वारा आपको अव्यवस्थित तरीके से कहीं पर भी बुलाया जा सकता है, जो भी निवेश करता होता है जिसको पैसों की जरूरत होती है। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पूंजी बाजार होगा, इस पूंजी बाजार में जो स्टॉक मार्केट मतलब पूंजी बाजार का जितना भी काम होता है वो एक स्टॉक मार्केट के थ्रू होता है। स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट दो प्रकार का है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब यहां किसी स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं होगी, बिना स्टॉक एक्सचेंज के आप बैंकों की सहायता से निवेश कर सकते हैं, और यहां पर स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत होती है, स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत होती है। यहां पर अगर हम बात करें तो नए शेयर आपको जारी किए जाएंगे, और यहां पर पुराने शेयरों की खरीद बिक्री होगी, पुराने शेयरों की खरीद बिक्री होगी। आइए समझते हैं किस तरीके की यहां पर बातचीत होने वाली है। देखो प्राथमिक बाजार का मतलब हुआ कि ऐसा बाजार जहां पर किसी नव निर्मित कंपनी के नए शेयर जारी किए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था इसके कुछ लेक्चर पहले कि बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि 40% वह धन जमा कर सकता है प्रमोटर, बचा हुआ 60% वह मार्केट से कलेक्ट कर सकता है। अगर हम इसमें एक बात करें सिंपल सी, तो मार्केट से जब वो कलेक्ट करेगा तो वह अपने IPO जारी करेगा। इस पहली बार जो शेयर जारी करते उन्हें IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें तो प्राथमिक बाजार में नए शेयर और डिबेंचर के द्वारा कंपनियों द्वारा लंबी अवधि के लिए धन की व्यवस्था होती है, बिना स्टॉक एक्सचेंज के।
तो कोई भी कंपनी अपना प्रोस्पेक्टर जारी करती है, प्रोस्पेक्टर बहुत महत्वपूर्ण संरचना होती है कंपनी के लिए, यह एक तरीके से इनका पूरा संविधान होता है कि यह कंपनी किन नियमों पर काम करेगी, इस कंपनी का मोटिव क्या है, यह कंपनी भविष्य में किस क्षेत्र में काम करने वाली है, कंपनी कैसे विकास करेगी, कंपनी कितने पैसों की है और कंपनी कितना लाभ कमा सकती है, इसकी पूरी की पूरी चर्चा होती है। इसमें डायरेक्टरों से लेकर सबकी जानकारी होती है और इस प्रॉस्पेक्टर को पढ़ने के बाद निवेशक अपने समता शेयर या इक्विटी शेयर को खरीद सकता है। अगर ओवरऑल हम इसमें बात करें तो जब पहली बार कोई कंपनी बाजार में अपने शेयर जारी करती है तो हम उसे नाम देते हैं आईपीओ, अगर फिर से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो फिर एफपीओ, और कभी कभी कंपनी अपने ही निवेशकर्ताओं के लिए राइट इश्यू भी जारी करती है। आइए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जिन लोगों ने पहली बार ये भी पढ़ रहे होंगे, जो लोग पहली बार इस टाइप का कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, शॉर्ट टर्म में जो पैसा चाहिए उसके लिए मुद्रा बाजार, लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए तो पूंजी बाजार। सरकार की हिस्सेदारी अलग है, सरकार का जो बेचना खरीदना है वो टेंडर के द्वारा अलग से कर दिया हमने, सरकार की प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज में पुरसे निकाला और बेचा जा सकता है, वो भी बात का विषय। अब हम एक उद्योगपति के नज़र से सोच रहे, तो उद्योगपति जब बाजार से पैसों की उगाही करना चाहता है तो वह अपने नए उद्योग के लिए, जैसे कि मैंने टाटा साहब का उदाहरण दिया कि वो कोचिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, 5,000 करोड़ की कोचिंग खोलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना ना लगाकर जनता से उधार लिया और हरेक को उसकी हिस्सेदारी दे दी। तो जब वो पहली बार अपने शेयर जारी करेगी तो वो जहां जारी करेगी वो प्रॉस्पेक्टर, वो एक तरीके से अव्यवस्थित बाजार हम कह सकते हैं, वो अपने प्रॉस्पेक्टर के माध्यम से सारी बातें उसमें बताएगी और लोग उसमें अप्लाइड करेंगे कि भाई मैं भी खरीदना चाहता हूं। तो जब वो पहली बार अपने शेयर जारी करती है उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसे कहा जाता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर है वो। और ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा, इस इनिशियल पब्लिक ऑफर में लोग आवेदन करके उन्हें पैसे देते हैं। अब ऐसा मत सोचो कि हर व्यक्ति इनिशियल पब्लिक ऑफर लाए, जैसे मैंने लाया आपने लाया और पैसा आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वहां बाजार के लोगों का उस व्यक्ति पर एक विश्वास होता है, उस संस्था पर एक विश्वास होता है, उस कंपनी पर विश्वास होता है। जो नए लोग होते हैं वो जारी तो करते हैं लेकिन इनके पास कोई पैसा देने को नहीं तैयार होता है। तो आईपीओ जब जारी किया जाता है तो कंपनी की इमेज, उसका प्रॉस्पेक्टर्स सब समझा जाता है और तब जाकर एक निवेशक उसमें निवेश करता है। बाजार में उसकी एक पॉजिटिव इमेज होती है, इस कारण से लोग उसमें निवेश करने आते हैं। इनके लिए बस सेबी यह अनुमति इनको देगा कि सेबी इसको, ये प्रॉस्पेक्टर्स के बाद सेबी कहेगा कि इनके प्रॉस्पेक्टर्स को आप पढ़िए, और सेबी ने अनुमति देगा कि वो कितना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें तो कभी कभी जितनी अनुमति दी होती है, मान लो कि अनुमति दी गई थी 4,000 करोड़ की, कि वो 4,000 करोड़ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कंपनी को लगता है कि इतनी बड़ी अमाउंट की अभी कोई जरूरत नहीं है, तो हो सकता है वो पहली बार केवल 2,000 करोड़ के शेयर जारी करें, 2,000 करोड़ के शेयर जारी करें, और फिर उसे बाद में लगे कि नहीं फिर से पैसों की जरूरत है, तो फिर वो अपने बचे हुए 2,000 करोड़ के फिर से शेयर जारी कर सकती हैं। जब वो फिर से शेयर जारी करती हैं तो उसे कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो उसे कहेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब अब वो दूसरी बार फिर शेयर जारी कर रही हैं। इसके बेसिस पर क्या करती है कई कंपनियां, मार्केट में अपनी इमेज और स्टेटस को चेक करती है कि पहले उसने कम जारी किए, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब लोगों का विश्वास है, वो बढ़िया काम कर सकती हैं, तो फिर वो दूसरी बार अपने बचे हुए पैसों के शेयर जारी कर सकती है, ऐसा तीसरी बार भी कर सकती हैं। तब हम कहेंगे कि पहली बार आया तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरी बार आया तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो हम कहेंगे आईपीओ, एफपीओ, और तीसरी बार जो होता है ये राइट इशू, ये तीसरी बार नहीं सॉरी राइट इशू। राइट इशू क्या है, जो पहले से ही शेयर धारक थे, जो पहले से ही शेयर धारक थे, अब मान लेते हैं कि कंपनी को मुनाफा हुआ या कंपनी को किसी भी प्रकार से कोई बातचीत हुई और उसके बाद कंपनी ने कुछ शेयर जारी किए उन लोगों के लिए जो पहले से ही शेयर धारक थे, तो उनका जितना शेयर पहले से ही लिया हुआ था, जैसे मान लो कि मैंने किसी कंपनी में 5% शेयर खरीद कर रखे थे, तो अब जो नए शेयर जारी किए जा रहे हैं उस नए शेयर में 5% मेरा राइट्स है, मेरा अधिकार है, इसलिए इसको नाम दिया गया है राइट शेयर।
जो पहले से ही शेयर होल्डर थे, अगर उन्हें फिर से नए शेयर जारी किए जा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम उसे नाम देते हैं कि वो राइट इशू है। ये भी बिल्कुल नए शेयर होते हैं, ये भी बिल्कुल पहली बार निकाले गए शेयर होते हैं, इस कारण से इसे भी हम नाम देते हैं कि यह आईपीओ जैसा ही, फॉलोन जैसा ही शेयर होता है। तो प्राथमिक बाजार में शेयर जारी किए जाते हैं बिना स्टॉक एक्सचेंज के। अब जरा समझिएगा मेरी बात, जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के बगैर शेयर जारी कर रही है आईपीओ के द्वारा, एफपीओ के द्वारा, तो लोगों से पैसा लिया है, तो सेबी उस कंपनी पर दबाव डालता है कि आप जल्द से जल्द 2 वर्ष के अंदर 3 वर्ष के अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट करिए स्टॉक एक्सचेंज में। अगर वो कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, लिस्ट मतलब उस स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम लिख दिया गया, जैसे मान लो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मान लो कि यहां पर नाम लिख दिया गया उस कंपनी का, तो मैंने उसमें आईपीओ लेकर रखा था, मुझे पैसों की जरूरत हो गई, तो मैं उस लिस्ट की हुई कंपनी में जहां पर भी उसे लिस्ट किया गया है वहां उसकी शेयरों की अब खरीद फरोख्त हो सकती है। तो जिस व्यक्ति ने पहले से शेयर खरीद के रखे थे उसके पास एक ऑप्शन होगा, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि अगर वो चाहे तो अब अपने शेयरों को बेचकर अपने पैसों को प्राप्त कर सकता है। तो जब तक कि वो कंपनी लिस्ट नहीं होगी तब तक उसके शेयरों की खरीद फरोख्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होगी, और जिस स्टॉक एक्सचेंज में वह कंपनी लिस्टेड होगी वहीं पर उसकी खरीद फरोख्त की जाएगी, उसी के उसके शेयरों की खरीद फरोख्त उसी स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तो अगर हम एक सिंपल सी यहां पर बात समझे, तो यहां पर पूंजी बाजार में जो प्राथमिक बाजार होता है वहां आईपीओ जारी किए जाते हैं, एफपीओ जारी किए जाते हैं और राइट इश्यू जारी किए जाते हैं, ये बिना स्टॉक एक्सचेंज के होता है। किसी प्रोस्पेक्टर को देखने के बाद लोग इसमें आकर्षित होकर आवेदन करते हैं, ये पूरी तरह से एक आवेदन वाली प्रक्रिया होती है कि मैंने भी आवेदन किया, किसी और ने भी आवेदन किया, और ये आवेदन करने के बाद कंपनी उन आवेदनों को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद मतलब आपका उतना पैसा ले लिया गया और कंपनी ने उसके एवज में फिर आपके अंदर आपने शेयरों की हिस्सेदारी बता दी कि आपको हमने इतने शेयर अब दे दिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का कोई रोल नहीं था। लेकिन जब ये कंपनी पुरानी हो जाएगी, 2 साल 3 साल हो जाएंगे, तो इस कंपनी में अब जब आप निवेश करने के बाद चाहते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई है तो अब आप इसके शेयरों को वापस बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अब ज़्यादा कीमतों में आप शेयरों को बेचोगे तो ये कंपनी को लाभ नहीं होगा, ये आपको लाभ होने वाला है। तो यहाँ जो अब शेयरों की खरीद फरोख्त होगी वो व्यक्तिगत लाभ की बात होगी, न कि कंपनी को इससे कोई बेनिफिट होने वाला है। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयरों की खरीद फरोख्त होती है उसमें कंपनी को कोई लाभ हानि नहीं होती है। तो अब हम इसके द्वितीयक बाजार पर चर्चा कर रहे हैं। द्वितीयक बाजार, या इसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, मौजूदा दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के लिए एक तैयार बाजार होता है। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि अगर कोई कंपनी में आईपीओ जारी किया और वो डूब गई तो फिर आपका पैसा डूब गया। इसलिए तो सेबी आपसे कह रहा है कि निवेश करने से पहले सारे दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। इसलिए ध्यान से पढ़े क्योंकि हमारी इसमें जिम्मेदारी कम इसलिए है क्योंकि आप मालिक बनने के लिए निवेश करना चाह रहे थे और निवेश तो हम कई जगह करते हैं तो हर जगह सेबी तो जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, लेकिन सेबी इस बात पर ध्यान देगा कि आपको अवेयर करेगा, सेबी इस बात पर ध्यान देगा कि उस कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टर्स है उसमें बताई गई बातें सही है या गलत है, उसके लिए वो मॉनिटर कर सकता है। लेकिन आपको वो रोक नहीं सकता है कि यहाँ निवेश मत करिए, यहाँ निवेश करिए, क्योंकि इससे बाजार में फिर निवेशक जो होंगे, जो उद्योगपति है, उनका मनोबल गिर सकता है। तो इस कारण से हम इसमें बात कर सकते हैं कि अगर कोई कंपनी 2 साल में डूब गई तो निवेशकों का पैसा डूब जाता है, लेकिन अगर कोई चल जाती है तो फिर उसे लिस्टेड किया जाएगा किसी स्टॉक एक्सचेंज में। तो एक तैयार बाजार ये प्रदान करता है, यह एक संगठित बाजार है, बिल्कुल बोली होती है यहाँ पर संगठित बाजार है, जहाँ सभी लेन देन स्टॉक एक्सचेंज की सहायता से नियमों और कानूनों के द्वारा होते हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ लोग बोली लगाएंगे, ये एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर लोग अपने शेयरों की खरीद फरोख करेंगे, ये वो प्लेस है जहाँ पर अपने शेयरों को आप खरीदने और बेचने का काम कर सकते हैं।
तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूंजी बाजार में द्वितीयक बाजार या स्टॉक एक्सचेंज दीर्घकालिक प्रतिभूतियां जो होती है पहले से ही बेची हुई उनको पुनः बेचने का एक विकल्प देता है। बहुत ही अलग कंसेप्ट के रूप में चले तो एक नई गाड़ी आपने खरीदी तो वो शोरूम से खरीदी, वो प्राथमिक बाजार हो गया। अगर आप उसी कार को फिर बेचना चाहते हैं तो फिर आप उस पुरानी गाड़ी को जहां बेचने के लिए जाएंगे वो द्वितीयक बाजार होता है। तो नई चीज़ों का बाजार प्राथमिक बाजार है, नए शेयरों का बाजार प्राथमिक बाजार है और पुराने शेयरों का बाजार द्वितीयक बाजार है। द्वितीयक बाजार पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रखा गया है ताकि कोई भी निवेशक को किसी भी प्रकार का डर ना रहे और वह फ्लेक्सिबल रहे, तरलता का विकल्प उसके पास रहे कि जब वो चाहे तब अपने शेयरों को बेचकर अपने धन की उगाही कर सकता हो। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार की यहां पर चर्चा होगी। सबसे पहला हम देख रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज हम इसे कहते हैं और यह मुंबई में बॉम्बे में ही है ये। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में ये स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, वर्तमान में 23 स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज के रूप में होता है जिनका भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। तो अगर हम बात करें इसमें जो महत्वपूर्ण दो स्टॉक एक्सचेंज है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है और इक्विटी शेयर के व्यापार के आधार पर, जो अभी मैंने इक्विटी बताया था उन शेयरों के आधार पर, समता शेयर के व्यापार के आधार पर दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इक्विटी शेयरों के आधार पर, इन प्रकार के शेयरों के आधार पर यहाँ जो व्यापार होता है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इस कारण से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जाना जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इन कारणों से भी जाना जाता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1994 में जब शुरुआत की तो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर आधारित ट्रेडिंग की शुरुआत की, मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था वहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन नहीं थी, वो बाद में आई, लेकिन इसकी शुरुआत से इसने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगा कर रखी जिसके बेस पर कौन से शेयरों की कीमत बढ़ रही है किसकी घट रही है ये स्क्रीन पर शुरुआत की। और 2000 में, वर्ष 2000 में इंटरनेट ट्रेडिंग की शुरुआत की जो भारत में अपनी तरह का पहला था। मतलब अगर कोई पूछे ऑब्जेक्टिव सवालों में तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो दो इसमें इंपॉर्टेंट बातें आ गई। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर ट्रेडिंग करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज यही बना और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट ट्रेडिंग की शुरुआत करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज भारत का यही है। तो अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये इस प्रकार की सारी चर्चाओं के साथ इसमें शामिल रहेगा। इसका जो सूचकांक होता है, इस स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक होता है उसे S&P नाम दिया जाता है, S&P CNX निफ्टी, जिसे लोग केवल निफ्टी कहते हैं। अब जरा समझना, ये निफ्टी का सूचकांक आज देखना इंटरनेट, आज तो सैटरडे है, मंडे का देखिएगा, ये जो स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी बढ़ गई निफ्टी घट गई ये निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। सूचकांक का मतलब ये हुआ कि यह एक प्रकार का डाटा है कि यहां पर जो कंपनियां थी उनमें कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई उसकी बातों को ये बताने वाली घटना है। तो अगर हम बात करें तो इस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक S&P CNX निफ्टी है। तो जैसे S&P का मतलब हुआ स्टैंडर्ड एंड पुअर। सी का मतलब हुआ क्रिसिल, एक एजेंसी है भारत की जो रेटिंग जारी करती है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर, क्रिसिल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल इंडेक्स ऑफ 50। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर क्रिसिल नेशनल एक्सचेंज नेशनल इंडेक्स 50। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो इसे केवल इतना समझ लीजिएगा, इस स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनमें जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनके शेयरों की कीमतों में क्या परिवर्तन आया उसे वो दर्शाता है। मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं।
अगर हम इसे समझना चाहें थोड़ा सा डिटेल में, तो इसे ऐसे समझिएगा, इसे ऐसे समझिएगा आप लोग, कि यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एम केप निकाला जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी का सबसे पहले निकाला जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन एम केप। और एम केप का मतलब होता है कि उस कंपनी के जितने शेयर थे और उस शेयर की जितनी कीमत थी, उसे कहते हैं कि उससे मार्केट का कैपिटलाइजेशन उस कंपनी का निकल गया, उसे कहते हैं एम केप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप समझते चलिएगा प्लीज। यहां पर मान लो कि वो 50 कंपनी में पहली कंपनी है, उसके शेयर 5000 हैं और उसकी वर्तमान कीमत 100 रुपये है, तो 5000 गुना में 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 लाख। तो अब हम कहेंगे कि उस कंपनी का एम के 5 लाख का आ गया है, तो ये 5 लाख करोड़ हो सकता है, इस टाइप से निकाले जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टॉक एक्सचेंज में जो बेस ईयर है वो 1995 है, और 1995 टोटल वैल्यू मानी गई है 1000 पॉइंट के बेस पर, कि टोटल पहले 1000 बेस पॉइंट थे, मतलब पहले जो निफ्टी था वो 1000 था, ऐसा मान के एक बेस पॉइंट हमने मान लिया है, इसे भारांश भी कह सकते हैं। और फिर इन 50 कंपनियों को, इस 1000 पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और फिर इसका पूरा भारांश निकाला जाता है, तो हमें ये पता चलता है कि जैसे मान लो किसी ने कहा कि 8000 आज निफ्टी का इंडेक्स गया, इसका मतलब 1995 की तुलना में, 1995 की तुलना में इतना गुना, 8000 गुना उन कंपनियों का प्राइस हो गया है, 8000 गुना उन कंपनियों के शेयरों की कीमत पर। ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल है, हो सकता है इन 50 में 5 कंपनियां लॉस में हो सकता है 45 कंपनियां प्रॉफिट में हो, तो ये ओवरऑल होता है, ये टोटल का हम कहेंगे कि एक ओवरऑल आइडिया लिया जाता है कि हाँ पहले इतना था 1995 में और आज ये इतना है, तो उसका इतना गुना। तो मान लो आज आपने सुना कि निफ्टी 6000 है, मतलब 6000 गुना लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं, या 6000 गुना वहां का एम कैप हो गया है 1995 की तुलना में। पर जैसे मान लो आप खबर सुनते होगे कि निफ्टी 12 अंक बढ़ गया, तो जो 12 अंक बढ़ने की बात आई, 50 अंक बढ़ने की बात आई, वो यस्टरडे कल की तुलना का मतलब हुआ, मान लो कि आज निफ्टी गई थी 7540 पर, और आज जो मार्केट ओपन हुआ या आज जो मार्केट बंद हुआ तो 7600 पर बंद हुआ, तो हमने कहा कि निफ्टी में 60 अंकों की बढ़ोतरी हुई। तो ये जो एम केप है, या हम कहेंगे कि ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स पहले निकाला गया था कल के दिन, तो 7540 था, आज निकाला गया तो 7600 हुआ, तो ये जो प्रतिदिन की बढ़ोतरी, या प्रतिदिन मतलब पिछले दिन से कितना बढ़ा कितना घटा, उसे हम कहते हैं कि आज निफ्टी में इतना उछाल देखा गया, आज निफ्टी में इतनी गिरावट देखी गई। और ये जो कैलकुलेशन किया जा रहा है, ये 1995 का बेस ईयर मानते हुए, जैसे कि हम महंगाई कैलकुलेट करते हैं, जैसे किसी की ऊंचाई कैलकुलेट कर रहे हैं या किसी का वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा ना भाई कि तुम पहले हल्के थे अब भारी हो गए हो, पहले तुम्हारा वेट 50 था अब 100 हो गया है, तो हम कहेंगे तुम्हारा वेट डबल हो गया है। वैसे ही 1995 को बेस ईयर मानते हुए आज उस सभी कंपनी 50 कंपनियों के कीमतों में क्या वैल्यू है, उसकी तुलना में आज का बस ये परिवर्तन गुणक के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, कि इतने गुना आज उनका एम कैप हो चुका है। और जो बढ़ने और घटने के प्रतिदिन की बात आ रही है, वो कल की तुलना में आपसे बताया जा रहा है। एनटीपीसी वाले क्लास ले सकते हैं या नहीं, ये तो एनटीपीसी का सिलेबस बताएगा, पर ये जो लेवल हम पढ़ रहे हैं, ये पीसीएस यूपीएससी लेवल की बातें हैं, ये तभी आपको मददगार करेगा जब आप यूपीएससी या पीसीएस जैसी कोई बड़ी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या बैंकों की कोई एग्ज़ाम अगर आप देते होंगे, या एलआईसी की कोई एग्ज़ाम अगर आप देंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। पर फोकस्ड हमारा यूपीएससी और पीसीएस वालों पर है, कि यूपीएससी में किस तरीके की बातचीत आती है। तो ये था, हम कह सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में नहीं है, शब्द पर ध्यान देना,
भारत का अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, इक्विटी शेयर के व्यापार के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आधारित 1994 में आया था और वर्ष 2000 में इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू की थी, मतलब ये अपने प्रारंभ से ही इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के बेस पर स्टॉक एक्सचेंज की सारी बातों को कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसे हम कहेंगे निफ्टी, और निफ्टी वास्तव में 50 कंपनियों का सूचकांक है, जो इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनियां लिस्टेड है उसमें 50 जो टॉप की कंपनियां हैं उनके शेयरों में क्या खरीदी और बिक्री हुई, उनके शेयरों में क्या प्राइस बढ़ा और घटा, उसके सूचकांक को दर्शाने के लिए निफ्टी का उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर क्रिसिल नेशनल एक्सचेंज निफ्टी। तो अगर इसका पूरा नाम देखेंगे तो इसके पूरे नाम के बेस पर इसे शॉर्ट में हम निफ्टी कह देते हैं। तो ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर लिस्ट की गई कंपनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती है। अगर हम बात करें तो एक और स्टॉक एक्सचेंज जो बहुत भारत का ही नहीं एशिया का बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में स्थापना हुई, पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है भारत का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। हर छः सेकंड में क्या बदलाव हुए हैं ये स्टॉक एक्सचेंज आपको बता सकता है। तो हर 6 सेकंड के चेंजेस को बता देने वाली बात को हम कहते हैं कि बहुत ही तेज स्टॉक एक्सचेंज है। और यहाँ पर भी सूचकांक होते हैं, यहाँ पर जो सूचकांक है उसे नाम देते हैं सेंसेक्स। ये सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। ये जो सेंसेक्स होता है ये 30 कंपनियां जो उस BSE में सूचित है, याद रखना भारत में सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनियों में अगर स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाए तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जहां नंबर ऑफ कंपनियां सबसे ज्यादा हैं। तो यह अगर बात करें तो सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स, ये उसकी टॉप 30 कंपनियों में शेयरों में जो गिरावट या बढ़ोतरी हुई है कीमतों में उसको दर्शाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो बेस ईयर है वो 1978-79 है। और आप सोचिए इस कारण से आपको सेंसेक्स लगता होगा 25,000, निफ्टी लगती होगी 8,000। तो ऑब्वियसली क्योंकि आपका जो निफ्टी है वो 95 से कितने गुना वृद्धि हुई है उसे बता रहा है, और जो सेंसेक्स है वो 78-79 से कितना गुना वृद्धि हुई है उसे बता रहा है। तो ऑब्वियसली आज जो 1 रुपया है, आज जो 100 रुपया है, अगर हम बात करें तो उसकी कीमतों में जो वृद्धि, आज जो जमीन की कीमत है वो 1978 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 25,000 गुना तो बढ़ी गई होगी। तो ये जो शेयरों की बात हो रही कि 25,000 सेंसेक्स है, मतलब 25,000 गुना कीमतें बढ़ गई हैं उस 78-79 के रिस्पेक्ट में। ये 30 कंपनियों के लिए ज्ञात किया जाता है जो उस BSE की टॉप 30 कंपनीज होती है। अगर हम बात करें इसमें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर BSE 100, ये भारत का राष्ट्रीय सूचकांक है। मतलब अगर कोई पूछे कि भारत का नेशनल इंडेक्स कौन सा है तो भारत का जो राष्ट्रीय सूचकांक है वो स्टैंडर्ड एंड पुअर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 है। इसका मतलब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 100 कंपनियां हैं उसका स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। यही भारत सरकार अपने बजट पेश करते समय इस पर ज्यादा ध्यान देती है। तो ये भारत का राष्ट्रीय सूचकांक कहलाता है, नेशनल इंडेक्स कहलाता है। नेशनल इंडेक्स है BSE 100। ऐसे BSE 500 भी निकाला जाता है, इसका मतलब 200 अगर निकाला तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 200 कंपनियों का, BSE 500 निकाला तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 500 कंपनियों का। अविनाश PT का सिलेबस तो नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जो PT का हिस्सा है वो बहुत कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बाकी कंप्लीट सिलेबस के लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि आप अनएकेडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
तो अगर हम बात करें तो सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स 30 कंपनियों के लिए ज्ञात किया जाता है, 78-79 बेस ईयर हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 100 कंपनियों के लिए ज्ञात किया जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय सूचकांक है। ऐसे 200 के लिए ज्ञात करते हैं, 500 के लिए ज्ञात करते हैं। ओवरऑल अगर हम इसमें बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। तो ये सूचकांक मतलब उस स्टॉक एक्सचेंज में ओवरऑल इन कंपनियों का क्या परफॉर्मेंस रहा है। इस सूचकांक में 30 कंपनियों का जब मान लो कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पूरी 30 कंपनियों को लाभ नहीं हुआ है। हो सकता है 5 कंपनियों को लाभ हुआ हो, 25 लॉस में हो, लेकिन फिर भी 5 का लाभ इतना ज्यादा था कि 25 की हानि को भी उसने कवर कर लिया। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ है उस बात को बता रहा है। और ये गुना में है कि उस वर्ष की तुलना में इतना गुना इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। तो आइए एक बार पहले रिवीजन पर ध्यान देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बातचीत करेंगे। आज हमने शुरुआत की सबसे पहले अंतर की, तो पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार का अंतर समझा। मुद्रा बाजार अल्प अवधि का है, यह दीर्घ अवधि का है, यह असंगठित अव्यवस्थित होता है, यह संगठित है। उसकी तुलना में बड़े निवेशक ही भाग ले सकते हैं इसमें, छोटे निवेशक एक व्यक्ति भी भाग ले सकता है। यहां कोई शेयर नहीं होते, यहां शेयर डिबेंचर बॉन्ड सब होते हैं। यह थोक बाजार है, यह उतना थोक बाजार नहीं। यहां तरलता ज्यादा होती है, वहां तरलता कम होती है, क्योंकि आज पैसा निवेश करोगे 2 साल बाद हो सकता है कि आपको पैसे के रूप में मिले। रिस्क यहां पर कम है, वहां रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि यहां कंपनियां भी आ जाती है, प्राइवेट लोग भी आ जाते हैं। पूंजी बाजार 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होता है। प्रतिभागी सभी जो मुद्रा बाजार का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा व्यक्तिगत निवेशक भी इसमें भाग ले सकते हैं। आरबीआई भारत सरकार की दीर्घ आवश्यकताओं के लिए धन की उगाही करता है, और उसके लिए वो 2 चीजें जारी करता है, 0 कूपन बॉन्ड और गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज। 0 कूपन बॉन्ड मतलब छूट पर दी गई सरकारी प्रतिभूति है, यहां पर कोई ब्याज नहीं मिलता, इसलिए इसे 0 कूपन बॉन्ड कहते हैं। दीर्घ अवधि के लिए पैसा लिया जाएगा। गिल्ट एजेड सिक्योरिटी ब्याज मिलेगा, अंकित मूल्य पर ही मिलेगा, दीर्घ अवधि के लिए होगा, पर इसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को इतने लंबे समय के लिए लॉक नहीं करेगा। ये ऐसा ही हुआ कि आपने अपने पैसे को जमा किया एक पेटी में और जमीन के अंदर गाड़ कर रख दिया है, 20 सालों के बाद देखेंगे क्या होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की मदद से इतने तरीके से पैसों की उगाही बाजार से कर सकती है अपने किसी भी योजना के लिए। उद्योगपति के पास आंतरिक और बाह्य विकल्प होते, या तो अपनी जमा पूंजी लगा दे या समतांश इक्विटी लेकर आ जाए और इक्विटी में समान रूप से कंपनी के मालिकाना हक बांट दें, या बैंकों से ऋण लेने चला जाए या एफडीआई लेकर आ जाए। इंडस्ट्रीज अगर सिक्योरिटीज लाती है तो शेयर और डिबेंचर के रूप में होता है। डिबेंचर मतलब आम नागरिकों से लिया गया ऋण है, पर हम समझेंगे उसे फिर से। कंपनी शेयर जारी क्यों करती है उसका रीजन हमने आपको बताया। फिर पूंजी बाजार स्टॉक मार्केट में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार होते हैं। प्राथमिक बिना स्टॉक एक्सचेंज के नए शेयर जारी करने का विकल्प है, द्वितीयक बाजार स्टॉक एक्सचेंज की सहायता से पुराने शेयर जारी करते हैं। आईपीओ एफपीओ राइट इशू जो प्राथमिक बाजार में आएंगे, ये लंबी अवधि के लिए धनों की आवश्यकता को पूरा करता है, शेयर और डिबेंचर जारी करेगी। इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर राइट इशू, इसमें 3 तरीके होते हैं। जो पहली बार शेयर जारी होते हैं उसे आईपीओ कहते हैं, फिर वही आईपीओ अगर फिर जारी किए जाए तो उसे एफपीओ कहेंगे, और अगर जो पहले से ही निवेशक थे उनको कुछ अतिरिक्त शेयर दिए जाए तो उसे हम कहते हैं राइट शेयर। द्वितीयक बाजार स्टॉक एक्सचेंज मौजूदा दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के लिए एक तैयार बाजार प्रदान करता है, संगठित बाजार है, स्टॉक एक्सचेंज के कारण पूरा लेन देन होता है और इसको सेबी पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसमें हमारे पास जो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें 2 महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। इक्विटी शेयर के व्यापार के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, और NSE 1994 में बना था और उसी समय से इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग कर रहा है, और 2000 से इंटरनेट ट्रेडिंग शुरू इसी ने सबसे पहले की है भारत में। इस स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक होता है वो S&P CNX निफ्टी कहलाता है, इसे नॉर्मली निफ्टी कहते हैं। सबसे पहले तो किसी कंपनी का MCAP मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्ञात किया जाएगा, जिसमें शेयर और इनटू प्राइस, उस शेयर की कीमत क्या थी उसका मल्टीप्लाई करके निकालते हैं प्रेजेंट कीमत में, और 1995 में उसका कितना था उसे निकाल देते हैं, तो जितना भी गुना आ रहा होगा हम उसे कहेंगे कि उतना निफ्टी की वैल्यू है, उतनी निफ्टी की वैल्यू मानी जाएगी।
फिर 1975 में 1875 में बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 की स्थापना है, पहला एशिया का पहला और सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो इंडेक्स है सेंसेक्स वो 30 कंपनियों का सूचकांक है, टॉप की 30 कंपनियां 1978-79 बेस ईयर हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय सूचकांक है वो S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 को हम मानते हैं, जिसके आधार पर भारत सरकार अपनी नीतियों को बताने की कोशिश करती है। इसके अलावा इसमें BSE 200 भी है, BSE 500 भी है, उसके आधार पर ये सूचकांक जारी किए जाते हैं। शशिकांत बढ़िया, जो रामजिल सैनी हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर अब इकोनॉमिक्स की डेली लाइव क्लास हमसे ले सकते हैं। ये डेली लाइव क्लास 9 से 10 में होगी, तो इसे मिस ना करा करिए, क्योंकि लाइव में एक बेनिफिट होता है कि एक अट्रैक्शन रहता है। आपको पता है कि अभी आपको कोई डाउट आएगा तो फिर आप सीधा सवाल वो पूछ सकते हैं। कोशिश करते चलिएगा कि इन सभी चीज़ों को आज ही नोट करके अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है बहुत टिपिकल मानी जाती हैं और बहुत जल्दी आप इसे भूल सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप इसके एक नोट्स बना लें और अपनी चीज़ों को रिवाइज करते चलिए। ये भी आज ऑब्जेक्टिव मटेरियल ज़्यादा था, इसलिए कोई मेंस का सवाल हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली ऑब्जेक्टिव सवाल ही बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो मंडे के दिन होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत की पूंजी बाजार में फिर और क्या क्या बातें होती है, डिबेंचर क्या होते हैं, फिर अगर कोई विदेशी व्यक्ति आना चाहता है भारत में निवेश करने के लिए तो वो कैसा होगा, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। या भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। और बाकी सभी लोगों से हम कहेंगे कि वो शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ ही साथ वो अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते तो मधुकर लाइव को यूज़ करें, 10% उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड डे।